डबल ओ का जब भी बाइंडिंग हम लोग करते हैं तो हमको सोचना है कि करना क्या है, फ्रिज ठंडा करना है, फ्रिज गर्म करना है, खाना गर्म करना है, तो मेरे पास जो पार्ट्स है हम यूज करेंगे फ्रिज में ठंडा करने के लिए, क्योंकि गर्म करने वाली व्यवस्था है नहीं मेरे पास। हाँ, तो अभी तीन बार कहीं भी मिलेगा आपको, तीन बार अर्थ न्यूट्रल और फ्रिज या लाइन न्यूट्रल। अर्थिंग जो है हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी पर्पस, कभी भी अगर कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कोई करंट आ रहा है बॉडी में, तो वो क्या करेगा आपको झटका देने में सहयोग करेगा, ना कि वो आपको चपक देगा, ये वही काम करेगा आपको, आपको चपकने नहीं देगा। जैसे ही आप लाइन के साथ संपर्क में आते हैं और आप सड़ जाते हैं तो आपको तब तक पड़ रहेगा जब तक आपका सेवा समाप्त नहीं करेगा। तो अर्थिंग करता है कि आपको सटने नहीं देगा, वो आपको झटका दे देगा ताकि आप दूर फेंका जाओ, आप बच जाओ, बार बार बचाता है। हाँ, वो आपको सेफ्टी के यूज करेगा। कहीं भी जब मैन्युफैक्चर होता है ना, तो मैन्युफैक्चर सब चीज़ ध्यान देकर होता है, ये सुविधा के लिए किए हैं हम लोग, ना कि अपने तकलीफ के लिए। अगर हमको लाइन मार दे मर जाए, उससे बढ़िया है कि हम खाना ठंडा ना करें ना, फेंक दें, नुकसान होगा मेरा। हमको लगता है कि आधा किलो आटा लाएँ, पाव बनाएं, एक पाव एक पाव बचा रख दिए ना, मेरा कितना बचत हुआ। अरे 50 रुपया आता है मेरे पास तो 25 रुपये मेरा बचत हुआ ना, ये नहीं हुआ। लेकिन 25 रुपये बचाने से अगर मैं गैप 25 रुपये डाल लें बचने के लिए, तो लाइन मर लिया, उससे बढ़िया फेंक दें। तो ये सेफ्टी पर्पस कंपनी बना के दी है कि आपको सुविधा हो, आपको जान माल की हानि ना पड़े। अब हमको इसमें देखना है, ये चीज जो है, जितना चीज जो खुद वर्क करेगा, लाइन वाला चीज जो खुद वर्क करता है, वो दोनों चीज चाहिए उसको, जैसे मिले वो उसको नहीं मतलब है। जैसे कंप्रेसर है, खुद वर्क करता है, तो इसको न्यूट्रल और फेज दोनों लेगा। हीटर, इसको भी न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए, क्योंकि हीटर जो है वो खुद काम करता है, ना कि किसी को थ्रू करवाता है। बल्ब, ये भी तो खुद काम करता है, जलना काम इसका है, दो सूत्र काम क्या है, जलाना, तो वो एक सप्लाई लेके काम चला सकता है, क्योंकि एक सप्लाई ही कंट्रोल करेगा तो कर लेगा। लेकिन बल्ब का काम है खुद जलना, वो खुद जल के दूसरों को क्या करता है, प्रकाश देता है ना।